हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो आज वाली वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल ही सरल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेकिन सर, इतना आसान क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहे हो? तो देखो, मैंने आपको कहा है कि मैं आपके पास वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ जिन क्वेश्चंस को देखने का कुछ नज़रिया अलग होना चाहिए। x^7 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यू बनने चाहिए, ठीक है? उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है? दोनों बातों को डिस्कस करेंगे इसी वाली वीडियो में। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत रहने वाली है, ठीक है? तो चलो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं सर। दोनों तरह के क्वेश्चन सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर, हमारे पास x^7 होल स्क्वायर, तो सर हम इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये कुछ बन रहा इन द टर्म्स ऑफ x^n की टर्म्स में बन रहा है, जहाँ पे हमारा जो x^7 है वो हमारे पास x का काम करेगा। तो सर हमने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव x^n का जो होता है वो होता है n x^n-1। इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच करूँ तो मैं लिख सकता हूँ x^n, ठीक है? तो यहाँ से n आपके पास 2 है, तो सर हमने 2 लिख दिया इनटू x^n। इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x^7 और उसका सर 2-1 आ जाएगा इंटू d/dx किसका आ जाएगा सर, ये जो टर्म है ये x^7, तो इसको मैं लिख दूंगा d/dx ऑफ x^7, इस x^7 है, ठीक है जी, इज इक्वल टू सर 2 इंटू x^7 वैसे का वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 2-1 हमें पता है 1 ही रहना है, लेकिन d/dx ऑफ x^7 को वापस से सॉल्व करोगे x^n से, तो अब हो जाएगा सर ये 7 x^7-1, तो मैं लिख दूंगा 6, विच इज इक्वल टू 7 × 2 सर हो जाएगा हमारे पास 14 और x^13 हो जाएंगे 13। ये एक तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते थे। अब सर दूसरा किस तरह से अप्रोच कर सकते थे? दूसरा अप्रोच करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। आप किस तरह से सॉल्व कर सकते थे सर, x^7 है और उसका होल स्क्वायर है, तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ x^7 × x^7। बिल्कुल सर, इसका मतलब सर ये हो जाएगा x^14। अब यहाँ पे यूज़ करो d/dx ऑफ x^n, तो वो किसके बराबर हो जाएगा सर, n x^n-1 विच विल बी इक्वल टू 14 x^13। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि एक इस तरह का क्वेश्चन जो था आप उसको किस तरह से अप्रोच कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रखना कि x^7 है तो उसका खुद में भी एक डेरिवेटिव निकल के आता है, ठीक है? ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये है, क्योंकि ये किस तरह का क्वेश्चन है सर, ये एक्सप्रेशन है किस तरह का, d/dx ऑफ u^n, जहाँ पे हम बोलते हैं u जो है वो फंक्शन है x का, u इज़ फंक्शन ऑफ x। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये d/dx ऑफ x^7 वाला स्टेप क्यों किया जाता है, ठीक है? और उससे भी आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते कर सकते थे सर, x^7 का होल स्क्वायर है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ x^7 × x^7, और इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x^14। अब इसको कर दो डेरिवेटिव, तो सर इसका डेरिवेटिव निकल के आ जाता है 14 x^14-1 विच विल बी इक्वल टू 14 x^13। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन को समझाने का मकसद क्या था, ठीक है? तो चलो इस क्वेश्चन में इतना ही था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लगा कि इस बात को डिस्कस कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।